Good morning, students. Take out a necessity book, notebook, and pencil box with you. Yesterday we were reading chapter number 14, The Sky. Okay, today we will continue the same chapter. Our topic will be the moon. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? The moon. Okay, first we will recall the chapter. The sky, I told you, the sky is above us. It looks like it looks blue color. We can see sun, moon, stars in the sky. Birds also, mammals also. During daytime we can see sun. During night, at night we can see stars and moon. Okay, the sun is a huge ball. It is also a star. Sun gives us heat and light. The sun rises in the morning in east direction, and the sun sets in the evening in the west direction. Okay, now today we will continue the same chapter. Our topic is the moon. आज हम moon के बारे में पढ़ेंगे. When we see the moon, हम moon कब देखते हैं? We see the moon shines in the sky at day or night. Yes, night. Very good. The moon shines in the sky at night. मून हमको हमेशा रात में दिखता है, but sometimes, पर कभी कभी हम लोग इसको डे में भी देख लेते हैं. देखते हैं ना, sometimes, not always. Okay, and what is the shape of moon? मून का शेप क्या है? Round, गोल. The moon shape is round. The moon is round in shape. Okay, मून का शेप कैसा है? The moon, it is round in shape. When it is full round, जब आप सूर्य मून देखते होंगे आकाश में, तो कभी आपको ये पूरा सर्कल में दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी एकदम थोड़ा सा दिखता है. तो इसके जो ये अलग अलग शेप है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं. अंडरस्टैंड? सो when it is full round like this, full round, it is called full moon. इसको हम क्या कहेंगे? जब अभी आप भी when जब आपको ये दिखेगा ऐसा फुल शेप में, देन वी कॉल इट फुल मून. इट इज कॉल्ड फुल मून. ओके, व्हाट यू कॉल फुल मून. और जब आपको हाफ में दिखेगा, व्हेन इट लुक्स हाफ, ऐसा आधा सिर्फ आपको हाफ दिख रहा है लाइक दिस, इट इज कॉल्ड हाफ मून. इसको हम क्या कहेंगे? हाफ मून. ओके, एंड इट बिगिंस राइजिंग फर्स्ट इन शेप. और कभी कभी हमको मून एकदम नहीं दिखता है, कभी कभी हमको मून आसमान में एकदम नहीं दिखता है. एंड समटाइम्स वी डू नॉट सी द मून एट ऑल. समटाइम्स हमको कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है. तो इट बिगिंस राइजिंग फर्स्ट इन शेप लाइक दिस ऑफ क्रिएसेंट. इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिएसेंट. ओके, लेट्स रीड द चैप्टर. पेज नंबर 58. पुट योर इंडेक्स फिंगर द मून. ऑल ऑफ यू स्पीक अलोंग विथ मी. The moon. The moon shines in the sky at night. When shines? On day or night? Night. Sometimes we see the moon during the day. Or sometimes means kabhi kabhi. Now look here. Page number 59. It is round in shape. What is the shape of moon? Round. It seems to change its shape each night. और ये हमको रोज रोज अपना आकार बदलते हुए मून दिखता है. हमेशा ये हमेशा हमको राउंड में नहीं दिखेगा. सम कभी ये इसका आकार क्या होता है? चेंज होते रहता है. When it is full round like this, see in your book, full round, it is called full moon. When it is half in shape, it is called half moon. See the picture. ओके, समटाइम्स वी डू नॉट सी द मून. और कभी कभी हमको मून एकदम नहीं दिखता है. ये देखो, लुक हियर. ओके, एंड इट बिगिंस राइजिंग फर्स्ट इन शेप ऑफ क्रिएसेंट. तो सब कभी कभी हमको ऐसा होगा कि एकदम मून नहीं दिख रहा, उसके बाद आफ्टर दिस ऐसे बिगिंग्स कैसे करेगा? ऐसे छोटा होके फिर हाफ, देन फुल. अंडरस्टैंड? फिर यही प्रोसेस होता है, यही चलता रहता है. अंडरस्टैंड? Now see the next topic is stars. Okay, may I raise it? Twinkle, twinkle, little star.
याद है ये पोएम? आसमान में क्या चमकता है ना, तारे अच्छे लगते हैं ना सबको देखने में, अच्छे लगते हैं ना। दस स्टार्स वेरी फार फ्रॉम अस, स्टार्स का हमसे बहुत दूर है, और ये भी सन की तरह से इनके पास अपना लाइट्स है, दैट्स वाई इतनी दूर होते हुए भी ये हमको शाइन करते हैं, दिखाई देते हैं। अंडरस्टैंड? ये सब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, सन मून स्टार्स इन योर कॉपी। ओके, स्टार्स ट्विंकल्स इन द स्काई एट नाइट, व्हेन वी कैन सी स्टार्स एट नाइट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद है ना, पढ़ा है ना आपने। स्टार आल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे, स्टार्स अपनी जगह पे डे में रहते हैं, बट ये हमको दिखते क्यों नहीं है, बिकॉज सनलाइट, बट वी कैन नॉट सी देम बिकॉज द लाइट ऑफ सन इज वेरी ब्राइट। स्टार्स क्या है, स्टार्स हमारे दिन में भी रहते हैं, मून भी रहता है, सब अपनी जगह रहते हैं, लेकिन हमको दिन में नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते, बिकॉज सन की जो लाइट होती है बहुत ब्राइट होती है, बहुत तेज होती है, और सन की लाइट के कारण स्टार मून ये सब छुप जाते हैं उसके तेज प्रकाश के आगे, ये सब प्रकाश जो है वो मतलब ये हमको नहीं दिखता है, आप इतना समझ लीजिए। स्टार्स आर वेरी लार्ज इन साइज, और ये सन से भी बहुत बड़े हैं स्टार्स। ओके, दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार, ये हमको इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पर है। स्टार्स आर मेनी इन नंबर, और स्टार्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, वी कैन नॉट काउंट देम। सन क्या है, ओनली वन, मून ओनली वन, बट स्टार्स आर अनकाउंटेबल, इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं कितने स्टार्स हैं। ओके, नाउ रीड विद मी, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, स्टार्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे, बट वी कैन नॉट सी देम बिकॉज द लाइट ऑफ सन इज वेरी ब्राइट। स्टार्स आर वेरी लार्ज इन साइज, दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार, स्टार्स आर मेनी इन नंबर, वी कैन नॉट काउंट देम। अगर कोई काउंट कर लेगा तो मुझे बताएगा काउंट करने की कितना है, पर कोई भी आज तक कभी भी स्टार्स को काउंट नहीं कर पाया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, क्लाउड्स।